हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन में। आज हम लोग करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में हमें आज करनी है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास 11th का अगर वेव्स आपको याद है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला वहाँ से भी हमें यूज़ करने को मिलेगा। और जो इक्वेशन वेव का होता है वो बिल्कुल क्लास 11 में जो हम लोगों ने वेव वाला टॉपिक किया था उससे मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा मैं क्लास 11 की चीज़ें आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको शॉर्टकट में YDSC भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि लाइट का जो वेव बिहेवियर होता है वो कैसा होता है और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे को देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग टॉपिक लिख लो YDSC, YDSE, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि क्लास 11 में वेव जो चैप्टर था उसमें एक इक्वेशन था आपको छोटा सा, उसमें हम लोगों ने लिखा था ना y1 = a1 sin ωt - kx, ऐसा इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने। और वेव टू की बात करें, दो वेव की बात करेंगे हम लोग, a2 sin ωt - k, इसको x1 बोल दो, इसको kx2 बोल, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन, इसको t1 ले लो, इसको t2 ले लो, ऐसे लिख सकते हैं। तो होता क्या है, जब when two waves interfere, हम YDSC में बेसिकली हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव पढ़ने वाले हैं। तो हम जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जब इंटरफेयर होते हैं, इंटरफेयर का मतलब होता है किसी दो लोगों का मिलना, इंटरफेयर हो गया ना। आप पढ़ाई कर रहे हो घर में, आपके मॉम या कोई डैड आ गए तो आपको इंटरफेरेंस लगेगा, क्योंकि आप मॉम के साथ मिल रहे हो या नहीं तो डैड के साथ मिल रहे हो। तो जब भी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो इंटरफेरेंस की बातें होती है। इंटरफेयर तो होता ही है, बिल्कुल भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम की बात करेंगे, तो टाइम विल बी टेकन एज इक्वली, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है साइन के पास जो एंगल्स है ना उनका डिफरेंस। साइन के पास यहाँ पे एंगल क्या है, ωt - kx1, ये पूरा, और ωt - kx2 पूरा एंगल ही तो है। और k को हम लोग वेव नंबर बोलते थे, इफ यू रिमेम्बर, वेव नंबर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता था 2π/λ। क्लास 11 की बातें हैं, आप अपने नोट्स में देख सकते हो, हम लोगों ने किया हुआ है। तो के को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, 2π/λ, इसका जनरल फॉर्मूला है। तो जब फेज डिफरेंस की बात होगी तो हम लोग दोनों के एंगल को डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस का हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ऐसा, डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस का मतलब हो गया एंगल का डिफरेंस इन दोनों के बीच का। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ωt - kx1, ठीक है, माइनस ωt - kx2, ये लिखेंगे हम लोग। तो डेल्टा फाई में क्या लिखूंगा, ωt - kx1 - ωt + kx2, ठीक है। ये इक्वेशन आया, तो ये तो कट गया, मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर k कॉमन ले लेंगे तो आएगा x2 - x1, ठीक है ना। सो फाई k का फॉर्मूला है हमारे पास, क्लास के रंग पे हम लोगों ने किया हुआ है। ये हो जाएगा 2π/λ, ये हो जाएगा x2 - x1, और वी कैन से 2π/λ डेल्टा x, ये हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ (Δx), ठीक है ना। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ (Path Difference), ठीक है ना। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस YDSE वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। तो आप लोग नोट करते जाओ आगे। ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का ये हमारे पास है, ये रिलेशनशिप आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी YDSE।
इसे हटा देते हैं। तो YDSC में क्या करेंगे हम लोग, यंग्स का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वेव नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिलता है इस वेव ऑब्जर्वेशन में लाइट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, उसमें एक लाइट सोर्स लेते हैं, दिस इज लाइट सोर्स S। यहाँ पे डबल स्लिट की बात हो रही है, यानी कि लाइट किसी दो ओपनिंग से पास थ्रू होगा। क्या होगा, लाइट किसी दो ओपनिंग से निकलेगा। यहाँ पे दो स्लिट दिए गए हैं, दो बहुत ही छोटे से ओपनिंग्स हैं और ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे सब कुछ ऑब्जर्व होने वाला है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, आई हैव टू चेक द कैमरा। बेटर। तो ये जो सोर्स है, यहां से लाइट निकलता है और ये एक सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन। मेरे साथ साथ आप लोग डायग्राम ड्रॉ करते जाओ ताकि चीजें फिर आपको आसान लगे। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं स्क्रीन, इसको बोलते हैं स्क्रीन और इसको बोलते हैं डबल स्लिट। तो लाइट यहां से जब आएंगी तो लाइट यहां से भी आएंगे ऐसे ओपनिंग की तरफ, एंड दे कैन मीट एनीवेयर, ये कहीं भी मिल सकते हैं लाइट, राइट। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस। जहां पे मिल रहे हैं वहां का पॉइंट पी नाम दे दो आप, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ, दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ओ को बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्क्रीन। और आप यहाँ पे नाम कुछ दे दो, स्लिट ए, स्लिट बी, डबल स्लिट हो गया ना। और यहां पर हम लोग इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसा ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, ये टोटल डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब सेंट्रल पार्ट है ये, तो ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू हो जाएगा, तो ये भी डी बाई टू हो जाएगा। दिस इज डी बाई टू, दिस इज ऑल्सो डी बाई टू, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ठीक है। और यहां से जो पॉइंट पी तक है वो है टोटल वाई। सारी मार्किंग अच्छे से करनी पड़ेगी आपको ताकि जब डिराइव करें तो कोई भी चीज मिस ना हो और कॉम्प्लेक्स ना बने। तो ये सिस्टम मिल गया मुझे, यहां भी मार्किंग करनी पड़ेगी मुझे डिस्टेंसेस की, ए बी यहां लिख दो, सी यहां लिख दो, ई ऐसा, ठीक है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस की। टू लाइट वेव्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट, तो हम लोग इक्वेशंस क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और वाई टू क्या लिख सकते हैं, ए वन, इसको ए वन नाम दे दो, इसको ए टू नाम दे दो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। वाई वन क्या है, ए वन साइन ओमेगा टी, और वाई टू क्या है, ए टू साइन ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। जब भी टू और मोर लाइट वेव्स इंटरफेयर, जो रिजल्टेंट वाई होगा वो होगा इंडिविजुअल का सम, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। ये वाई वन प्लस वाई टू, ये वाई वन ऐसे आया, वाई टू ऐसे आया, दोनों मिलेंगे तो वाई बनेगा जो रिजल्टेंट होगा। तो वाई वन क्या लिख सकते हैं, ए वन साइन ओमेगा टी, और वाई टू क्या लिखेंगे, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। और आपको इसको ब्रेक करना है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में इसको ब्रेक करना है। तो आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ ए टू, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी ये साइन ओमेगा टी, यहाँ भी ये साइन ओमेगा टी, तो आपको मिलेगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, प्लस आप यहाँ लिखोगे कॉस ओमेगा टी, ये मिल जाएगा ए टू साइन फाइव, ठीक है। बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन के साथ जो चीजें हैं इसको अलग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक फंडा है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा है, अगर आपको इसको सिंपल बनाना है ना
तो साइन वाले के साथ जो चीजें उसको कॉस ले लो, और कॉस ओमेगा टी के कॉस फंक्शन के साथ जो चीजें हैं उसको आप साइन ले लो। तो मैं लिख सकता हूं लेट लेट ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये मुझे क्या मिलेगा, ये मैंने ज़ूम कर लिया, लेट आर कॉस ऑफ थीटा ऐसे ले सकते हैं, और लेट ए टू साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा ये ले सकते हैं। आप इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो, ठीक है, वापस इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर दो जो यहाँ पे आपने लिखा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा लिखूंगा, तो लिख देते हैं इसकी जगह आर कॉस थीटा और इसकी जगह आर साइन थीटा। चलो बढ़िया है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला बन गया, आर आप कॉमन ले सकते हो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो आपको शायद फॉर्मूला याद हो साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे को एक नया फॉर्मूला यहाँ मिल गया, कीपिंग आर आउटसाइड वी कैन राइट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपको मिल गया इन दो वेव का जो इंटरफेयर होके जो बना है रिजल्टिंग, वो ये मिल गया छोटा सा। यहाँ पर हमने आर और थीटा खुद से सब्स्टिट्यूट किया है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन वन, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन टू, इसको स्क्वायर करो, इक्वेशन वन को स्क्वायर करो, इसके इक्वेशन टू को भी स्क्वायर करो और ऐड करो। क्या बोला मैंने, इक्वेशन वन का स्क्वायर मतलब ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर कर दो, टू को भी स्क्वायर कर दो, और दोनों को आप ऐड करो, तो आपको मिलने वाला है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा। ये आपको जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, क्योंकि क्लास 11 में हम लोगों ने किया था ना वेक्टर के लिए, टू वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट वो ये है, ठीक है ना। तो आपको याद आ गया होगा पक्का, और इन दोनों को हमने ऐड करके स्क्वायर करके ऐड किया है, तो आर इज कॉल्ड टोटल रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट किसका है, डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि ए वन ए टू जो हमारे पास है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसका ये रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू वेरी करेगी उसी तरीके से आर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वापिस हम लोग इस डायग्राम में आने वाले हैं, सो बी केयरफुल, इतना लिखने के बाद इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स। तो जब ये टू लाइट वेव्स इंटरफेयर करते हैं तो यहां दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो दो लाइट के इंटरफेरेंस से ब्राइटनेस हो गया होगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमा, या नहीं तो हो सकता है डार्कनेस हो गया होगा यानी कि मिनिमा। तो उस कंडीशंस को भी हमें पहचानना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, इंटेंसिटी मिनिमम कब होता है। और जब इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसका एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली लाइट की बात कर रहे हैं तो उस लाइट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इनका। तो अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां पर दो लाइट वेव्स हम लोगों ने लिया हुआ है, एक की एम्पलीट्यूड ए वन है, एक की ए टू है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट वाला एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आर क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर। तो यहां पे लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर, और इंडिविजुअल भी हमारे को इंटेंसिटी लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल आई वन इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर एंड आई टू इज इक्वल टू के ए टू का स्क्वायर, ठीक है। तीन इंटेंसिटी की बातें हो रही है बच्चों, भूलना नहीं है आपको। सिंगल लाइट था तो इंटेंसिटी वन इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर, इंटेंसिटी टू यानी कि सेकेंड लाइट वेव्स था ये, और दोनों जब मिल गए तो आई आर मिला यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो वापिस हम लोग जाएंगे रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में जो हम लोगों ने अभी लिखा था, अंडर रूट
a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, वापस यहां पे हम लोग काम करेंगे। तो यहां पे आ जाओ, r की जगह मैं लिख सकता हूं, r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, i r by k। a1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, i1 by k। ठीक है ना, a2 square की जगह मैं क्या लिखूंगा, i2 by k। 2a1 a2 यहां पे स्क्वायर था, यहां स्क्वायर नहीं है, तो a1 का क्या मतलब हो गया, a1 का मतलब हो गया अंडर रूट i1 by k अंडर रूट i2 by k इनटू cos थीटा। ठीक है ना, सिंपल सा इक्वेशन है, इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल गया i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos थीटा ठीक है ना, के सारा कैंसिल हो चुका है, ये मिल गया आपको। अब यहां पे इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट मिला वो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वो देखो i1 i2 जो है ना इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है, वो तो कांस्टेंट है, डिपेंड कर गया थीटा पे। रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है पूरा लाइट वेव मिलने के बाद, वो डिपेंड कर गया थीटा पे, इसी को बोलते हैं फेज एंगल है, वो फेज एंगल है। यानी कि अगर आई आर को मैक्सिमम होना है, इंटेंसिटी को मैक्सिमम होना है, तो कॉस थीटा को होना पड़ेगा मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव 1। यानी कि थीटा कॉस पॉजिटिव 1 कब कब देता है, जब थीटा हमारे पास हो 2n पाई, ट्रिगो में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी फॉर इंटेंसिटी मैक्सिमा आई मैक्स। तो मैं लिखूंगा आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास आई मैक्स। तो आई मिनिमम कब होगा, जब कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, दैट मीन्स -1। इसको हम लोग और भी सिंपल वे में लिख सकते हैं, मैं ऊपर की चीजें हटा रहा हूं एंड आई एम राइटिंग इट इन मोर सिंप्लीफाइड वे। जब हम लोग आई मैक्स की बात करेंगे तो आई मैक्स क्या मिल गया मुझे, आई मैक्स मुझे मिल जाएगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ये मुझे मिल गया आई मैक्स। ठीक है ना, ध्यान में होनी चाहिए बात। तो वापस हम लोग आई मैक्स को a1 a2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई मैक्स अंडर रूट i1 की जगह मैं डाल दूंगा यहां पे k a1 का स्क्वायर, क्या डाल दूंगा मैं, k a1 का स्क्वायर k a2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आई मैक्स मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना, रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, आई मैक्स मुझे मिल गया। तो आई मैक्स को हम इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं और एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग मिनिमम की बात करें तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा वो भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब आई आर मिनिमम का मतलब हो गया कॉस थीटा मिनिमम, यानी कि कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा मिनिमम कब होता है, -1, और -1 कब देता है कॉस, जब आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। जब भी कॉस के पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, यानी कि कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई भी -1, कॉस 5 पाई -1, तो ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये कंडीशन आपको मिल गया। ठीक है, ये फेस एंगल आपको मिला है। तो सिमिलरली हम लोग आई मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट आई मिनिमम, क्या लिखेंगे, k टाइम्स a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बढ़िया। तो दोनों फॉर्मूले आपको मिल गए, यहां पर माइनस लगा लेंगे तो आई मिनिमम मिल जाएगा मुझे इंटेंसिटी के टर्म में, इजी एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा आपको फेज के बारे में फिर से सोचना होगा, पाथ डिफरेंस के बारे में सोचना होगा कि पाथ डिफरेंस को कैसे रिलेट करें मैक्सिमा मिनिमा से। अभी अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने
टू पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, राइट। तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस अभी निकाला, मैक्सिमा के लिए कितना निकाला, 2n पाई। तो अब मैक्सिमा की अगर बात करें तो डेल्टा फाई मेरे को लिखना पड़ेगा 2n पाई, ठीक है ना, 2 पाई तो गया, तो यहां से मेरे को मिल गया एन लैम्डा। यानी कि अगर मैक्सिमा आपको चाहिए तो जो दो लाइट वेव है इनकी जो पाथ डिफरेंस होनी चाहिए वो एन लैम्डा के टर्म में होनी चाहिए, वेयर एन इज एनी इंटीजर, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपको मिनिमा की बात करनी है यानी डार्कनेस की बात करनी है तो डेल्टा फाइव की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला ना, 2n-1 इंटू पाई, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 5 पाई गया, आपको मिल जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, दैट इज डेल्टा एक्स, दिस इज योर डेल्टा एक्स, दिस इज योर व्हाट, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमम यानी कि डार्कनेस के लिए पाथ डिफरेंस आपके पास आ चुका है। दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, मिनिमा के लिए ये। इंटेंसिटी के भी आपको दोनों फॉर्म में ध्यान में रखने हैं, इंटेंसिटी के टर्म में क्या फॉर्मूला होगा और एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, आई मैक्सिमम आई मिनिमम, इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो एक रेशियो मिल जाता है आई मैक्सिमा और आई मिनिमम का, ठीक है। तो मैं साथ साथ सारी चीजें आपको लिखते जाओ बच्चों, ठीक है। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इसको डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का होल स्क्वायर का रेशियो। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों ने अभी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आई मैक्सिमम आई मिनिमम, ठीक है, इसको लिखते जाओ। और वापस आप डायग्राम में आएंगे और एक चीज हमें और डिराइव करनी है, कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा के लिए वाई डी स्मॉल डी कैपिटल डी के टर्म में, फिलहाल आप ये लिख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूं इसको यहां से मिलाने वाला हूं, एक मैं लाइन ले लेता हूं कोई, यहां से एक लाइन आप ले लो, ठीक है, और यहां पे आप एंगल दिखाओ थीटा। हम लोग डिराइव करने वाले हैं कि वाई कैपिटल डी स्मॉल डी में क्या रिलेशन होगा कि वहां पे मैक्सिमा बने और मिनिमा बने यहां पे, ठीक है, ये भी देखना है आपको। तो यहां पे थीटा लिया, हाँ, तो हम लोग अभी करने वाले हैं डिराइव, इसमें कुछ फॉर्मूले और बचे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे थीटा जो लिया हुआ है, यहाँ पर एक हमने एक एंगल बना लिया है और आपको एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने AF को परपेंडिकुलर बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि AF इज इक्वल टू FP, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके लिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि तो पूरा 90 है, थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आपको लेनी है ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, GP और O, यहां मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई कैपिटल डी, और सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, क्या होगा, देन वी कैन राइट tan थीटा इक्वेलेंट टू sin थीटा, लिख सकते हैं हम लोग, जब एंगल बहुत छोटी होती है ना तो tan को sin या sin को tan लिख सकते हैं। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ABF ट्रायंगल को मैं दोबारा यहां ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ऐसा है ना, AB और ये है F, AF है,
ये बी है, ये ए है, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए फिजिकल टू एफ पी है, हम लोगों ने इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला है ताकि ए फिजिकल टू एफ पी हो, बी एफ इज एक्स्ट्रा। तो ए पी और बी पी की बात करें तो बी एफ इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो डी है। बी से एक एफ तक डेल्टा एक्स लिख सकते हो, ए पी और बी पी के बीच का डिफरेंस इतना ही है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बी एफ अपॉन ए बी। बी एफ का मतलब हो गया डेल्टा एक्स और बी का मतलब हो गया स्मॉल डी। तो साइन थीटा टैन थीटा यहाँ सारा इक्वल हो गया ड्यू टू स्मॉल एंगल। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू वाई बाई डी, और वाई को मैं लिख सकता हूँ डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, अब बस खत्म ही होने वाला है। मैक्सिमा मिनिमा हम लोगों ने अभी अभी किया है। तो वाई की वैल्यू मैं लिख क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये किसके लिए, मैक्सिमा के लिए यानी ब्राइटनेस के लिए। दूसरी बात है y इज इक्वल टू कैपिटल d 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 स्मॉल d, ये किसके लिए है, ये मिनिमा के लिए, ठीक है ना। ये मैक्सिमा ये मिनिमा अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो लाइट रेज वेव मिल रहे हैं, टू लाइट वेव्स मीटिंग, तो वहां मैक्सिमा भी पॉसिबल है, मिनिमा भी पॉसिबल है। जहां जहां ये डिस्टेंस होगा वहां वहां मैक्सिमा होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया गया, यहाँ स्ट्रिप्स बनते हैं, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, अल्टरनेट, बिल्कुल अल्टरनेट, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, इसको फ्रिंजेस बोलते हैं, रेक्टेंगुलर होता है, काफी लाइन जैसा होता है। तो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को कंडीशन ये मिल चुका है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया हुआ है, आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, आगे भी करने वाले कर लेंगे। यहाँ पर एक टर्म और मिलेगा आपको, फ्रिंज विड्थ, पहले आप इसको लिख लो फिर हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की। तो यहां जो हम लोग फ्रिंज विड्थ की बातें कर रहे हैं वो बेसिकली विड्थ है, उसको कैसे फाइंड करेंगे कि रेक्टेंगुलर विड्थ है वो, तो ध्यान से देखना है आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहां आप वर्ड लिखोगे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, इसका जो डेफिनेशन वो भी लिख लो, द कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस, द कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट और डार्क, या तो दो ब्राइट या फिर दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। टू ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो जब हम लोग ब्राइटनेस की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, अभी अभी डिराइव किया ना हम लोगों ने। अगर इसका कॉन्जिक्यूटिव, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, वाई डैश नाम दे दो, एन प्लस वन कर दो लैम्डा डी बाई डी, इसका कॉन्जिक्यूटिव तो ये हुआ एन के बाद एन प्लस वन, और वाई को हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। तो इनका जो डिफरेंस, इनका डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग, वाई डैश माइनस वाई, यानी कि बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एन प्लस वन लैम्डा डी बाई डी माइनस एन लैम्डा डी बाई डी, ये लिखेंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पे एन गायब हो जाता है कैलकुलेशन से, खत्म कट गया हो, तो लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज विड्थ आएगा। यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, जब तक मीडियम चेंज नहीं करेगा लैम्डा भी चेंज नहीं करेगा, जब तक हम स्क्रीन को आगे पीछे नहीं करेंगे तो डी भी कॉन्स्टेंट रहेगा, स्मॉल डी भी कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो बीटा है यानी कि फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है डायरेक्टली,
कैपिटल डी यानी स्क्रीन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और इन्वर्सली डिपेंड करता है स्मॉल डी पे, ठीक है ना। ये हो यहाँ पे एन नहीं होता, एन गायब हो चुका है, ये फ्रिंज विड्थ आपका आ चुका है। इससे ज्यादा आपको सीबीएसई में करना नहीं है, इनफैक्ट जेई में भी है ये, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करने बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा फंडा समझोगे क्लियर होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, उस वीडियो के लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। तो बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो में।